हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं। राधे राधे, जय श्री आगरा। घूमने के बाद हम पहुंचे वृंदावन। होटल हमने पहले ही बुक कर लिया था, तो डायरेक्ट हम होटल पहुंचे और चेक इन का प्रोसेस कंप्लीट किया। सो गाइस, जैसा कि मैंने अभी तक दिखाया है कि हम लोग वृंदावन पहुंच चुके हैं और उसके बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, चाय वाय पिया, उसके बाद अच्छे से फिर से रेडी हो गए हैं वृंदावन एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलो साथ में वृंदावन की गलियों में घूमते हैं। एंड उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या पहना है। सो गाइस, ये रहा मेरा आज का आउटफिट, यानी शाम का आउटफिट। दिन का तो मैंने पहले ही दिखा दिया। वैसे मैंने अभी का आउटफिट काफी कैजुअल और एकदम कॉटन का सूट रखा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। वैसे शाम का कैसा मौसम होने वाला है वो तो अभी देखेंगे, बट तब तक के लिए बस यही। तो चलो चलते हैं एंड वृंदावन की गलियों में घूमते हैं। जिस होटल में हम स्टे करने वाले थे उसका नाम है श्री दरबार, एंड ये रहा हमारा प्यारा सा रूम फॉर नेक्स्ट 3 डेज। एंटर करते ही ये किंग साइज का बेड है, एंड बेड के ठीक ऑपोजिट साइड में है टीवी कैबिनेट, और टीवी के नीचे यहाँ पे टी एंड कॉफी का अरेंजमेंट किया हुआ है, और इसके ठीक नीचे मिनी फ्रिज भी दिया हुआ है। वॉल के कॉर्नर साइड में है वार्डरोब जो कि बहुत ही सही है, और उसके बगल में ये टेबल एंड चेयर्स दिया हुआ है, एंड टेबल चेयर के बगल में ही है बड़ा सा मिरर जो कि मेरे लिए सबसे बेस्ट है, एंड उसी के ठीक साइड में है बालकनी। यहाँ से थोड़ा बहुत वृंदावन तो दिख ही जाएगा। सो ये रहा हमारा छोटा सा प्यारा सा रूम। ऐसा 2 रूम हमने बुक किया है बिकॉज हम लोग 6 लोग हैं। इस्कॉन मंदिर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है, इसलिए हमने आज इस्कॉन मंदिर जाने की ही प्लानिंग की। बहुत सुंदर मंदिर है ये। वैसे तो हर जगह के इस्कॉन टेम्पल बहुत अच्छे होते हैं, बट यहाँ की बात ही अलग है, यहाँ की वाइब ही अलग है। एक अलग सा सुकून मिल रहा था यहाँ आके। आप सिर्फ यहाँ के होके रह जाओगे। यहाँ सभी लोग कृष्ण जी में मग्न थे और एक दूसरे से कोई मतलब नहीं था, और हम सब भी आके कान्हा जी में ऐसे ही मग्न हो गए। कान्हा जी के दर्शन करके मन को बहुत अच्छा लगा, और हम लोग वहाँ पे हर एक चीज एंजॉय किया। वहाँ का कीर्तन, वहाँ का डांस, एंड सबको डांस करते हुए देख के हम भी खुद को रोक नहीं पाए, हम लोगों ने भी डांस किया। और जैसा कि हम सबको पता है कान्हा जी को ये सब कितना अच्छा लगता है, तो उन्हें इम्प्रेस करना तो बनता ही है। काफी देर तक हम वहाँ रहे, घूमे, और फिर निकलते टाइम हमने वहाँ का प्रसाद भी खाया। बहुत यम्मी खिचड़ी थी। तो प्रसाद खाने के बाद हम वहाँ से निकले और आसपास का मार्केट एक्सप्लोर किया। वहाँ पे स्ट्रीट में भी आप घूमोगे ना तो वहाँ पे अलग वाइब है, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका मन नहीं भरने वाला। तो हमने भी मार्केट एक्सप्लोर किया और फिर कुछ स्ट्रीट फूड ट्राई किए, और फिर ऐसे ही घूमते घूमते होटल पहुंच गए, और होटल जाके डिनर किया और सो गए क्योंकि नेक्स्ट सुबह हमें जल्दी उठना था। तो आज के लिए गुड नाइट, मिलते हैं कल। एंड हम सब रेडी हो गए हैं और हम स्टार्ट करने वाले हैं बांके बिहारी जी के दर्शन करके। तो अभी हम निकलेंगे और उनके दर्शन करेंगे, और उसके बाद फिर देखते हैं कि हमें कहाँ जाना है। निकलने से पहले मैं आपको अपना आउटफिट दिखाती हूँ। ये मैंने आज पहना है, ये कॉटन का सूट है, लैवेंडर कलर में है, बहुत ही कंफर्टेबल है, एंड यहाँ का वेदर के अकॉर्डिंग सही है क्योंकि बाहर गर्मी भी होती है। हमने होटल से टोटो लिया था और वो बांके बिहारी मंदिर के मेन गेट पे उतार दिया था। यहाँ के बंदर बहुत बदमाश होते हैं, हाथ में फोन देखते ही छीन लेते हैं, इसलिए मैं ज्यादा वीडियो नहीं ले पाऊंगी। तो हियर वी रीच्ड मेन मंदिर। बहुत ज्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज्यादा, और प्रसाद चढ़ाते टाइम तो हालत खराब हो गई। फिर भी हमने बहुत अच्छे से प्रसाद भी चढ़ाया और दर्शन भी किए। कान्हा जी को अगर आप देखोगे ना तो आपकी नजरें नहीं हटेंगी, मन करता है देखते ही रहे। इसलिए यहाँ पे एक बार में आप ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाओगे, यहाँ बार बार पर्दा लगा दिया जाता है, और वहां से निकलने का तो मन ही नहीं हो रहा था। बट फिर भी हमें और भी जगह जाने थे, तो इसलिए थोड़ा देर बैठे और फिर हम वहां से निकल गए। यहाँ अगर आप जाओगे ना तो पूरे रास्ते में टीका लगाने के लिए लोग खड़े रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, बूढ़े भी रहते हैं, सभी तरह के लोग रहते हैं,
और जब तक आप टीका लगवा ना लो ना, उन लोग बहुत परेशान करते हैं, तो इसलिए हम सब भी टीका लगवा लिए और बहुत ही प्यारे लग रहे थे हम लोग टीका लगा के। इसके बाद हम पहुंचे राधा बल्लभ जी के मंदिर, वहां पे प्रसाद चढ़ाया, दर्शन किए। बट बांके बिहारी जी के मंदिर से यहाँ थोड़ी भीड़ कम थी, तो आराम से दर्शन हुआ। और फिर निकल के हमने सोचा अब कुछ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम सबको बहुत भूख लग गई थी। हमने खाया यहाँ का फेमस कचौड़ी और ये लस्सी, मजा आ गया और पेट भी भर गया था। उसके बाद हमने फिर से टोटो लिया और पहुंच गए निधिवन। निधिवन के बारे में तो आप सबको पता होगा, कहा जाता है कि कान्हा जी यहाँ हर रोज रात को आके रासलीला करते हैं, और यहाँ जितनी भी तुलसी की पेड़ है ना, वो सब गोपियां बन जाती है रात में। पर ये आज तक कोई देख नहीं सका, क्योंकि कहा जाता है कि जो भी देखने की कोशिश करता है वो बच नहीं पाता। तो हमने घूमा, बहुत अच्छा जगह है, अगर आप वृंदावन आओ तो यहाँ जरूर आना। पर हाँ, यहाँ के बंदरों से बच के रहना, स्पेशली अपना फोन तो बचा के रखना। तो निधिवन घूमते घूमते 1:30 बज गए थे हम लोगों को, और हम यहाँ से निकल के अपने होटल पहुंचे, क्योंकि 1 बजे के बाद यहाँ घूमने लायक कुछ भी नहीं है, सारे मंदिर बंद हो जाते हैं, अब शाम को खुलेंगे। तो होटल जाके हमने लंच किया और फिर रेस्ट लिया। सो गाइस, शाम हो चुकी है और हम सब रेडी हो गए फिर से। ये रहा मेरा शाम का आउटफिट। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं केसी घाट, वृंदावन का सबसे खूबसूरत घाट है ये। यहाँ है यमुना रिवर एंड आसपास बोट्स है, जिससे लोग आसपास का घाट घूम सकते हैं, एंड यहाँ पर आरती भी होती है शाम की। हमने भी बोट लिया और यहाँ पे जो जो घूमने की जगह थी ना, सब एक्सप्लोर किया। देखते देखते सनसेट का टाइम हो गया था, तो थोड़ी देर बैठ के सनसेट व्यू एंजॉय किया, फिर यहाँ से निकले वृंदावन का सबसे प्यारा प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर जाना है तो शाम में ही जाओ, क्योंकि शाम को प्रेम मंदिर बहुत ही खूबसूरत लगता है अपने लाइटिंग की वजह से, एंड बहुत अच्छा मंदिर है ये। सच में इस मंदिर से आपको प्रेम हो जाएगा, सुकून और खूबसूरती दोनों ही यहाँ पे है। हमने पूरा मंदिर एक्सप्लोर किया और फिर बाहर आके थोड़ी देर बैठे और फिर अपने मंदिर से निकल गए। और बाहर निकलने के बाद वही सेम चीज, स्ट्रीट पे इधर उधर घूम रहे थे, थोड़ा बहुत कुछ चाट पुचका ये सब खाया, एंड उसके बाद फिर हम होटल पहुंचे और डिनर किया एंड सो गए। तो आप सबने देख ही लिया होगा कि मैंने आगरा से वृंदावन तक का सफर कैसे एंजॉय किया एंड क्या क्या किया, और वृंदावन में भी कहाँ कहाँ विजिट किया। और सच बताऊं तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत ही सुकून वाली वाइब है इधर। अगर आप यहाँ आते हो ना, तो लिटरली यहाँ के होके रह जाओगे आप। हम लोग कोई भी टेंपल विजिट करते हैं ना, तो यार हम लोग ऐसा लगता है ना कि हम लोग वहीं पे बस बैठे रह जाए, निकलने का मन ही नहीं होता है, इतना अच्छा लगता है। तो अगर आप अभी तक वृंदावन नहीं आए हो ना, या फिर नहीं सोच रहे हो आने का ना, तो सोचो, बिकॉज यहाँ पे आपको जो सुकून मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिलेगा, आप कहीं पे भी घूम लो। सो गाइस, इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे की ब्लॉग्स देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बी हैप्पी, बाय।